ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये काले काले गाल। अच्छा तो फिर काले गाल वाले के पीछे हमेशा क्यों पड़ी रहती हो? बस महमूद मियां के उस गाने पर आस लगाए बैठे हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। और एक तुम हो, हमेशा दिल वाले फिल्म के विलन की तरह बिहेव करते रहते हो। मैं तो ये विलन लगता हूँ क्या? मेरे कॉमेडियन जैसे पति को विलन किसने कहा? इसे कहना तुम्हारे बीवी नंबर वन ने ये जुर्रत की। नहीं 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 नहीं, अरे मुझे विलन कौन कहेगा, मैं तो बस यूं ही लो चाय पी लो। बच्चों का नाश्ता खत्म होने के बाद चाय बच गई थी क्या? नहीं नहीं बाबा, मैंने अभी बनाई है पुदीना डालकर। अच्छा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? बस यूं ही, ऐसा ना कि हमारे घर में बिना मांगे कोई भी चीज देने का रिवाज नहीं है। क्या कब से शुरू हो गया? वो तो तुम्हें चिल्लाने की आदत पड़ गई है। मेरी तरफ से चाय तो क्या, हमेशा जान हाजिर रहती है तुम्हारे लिए। कमाल हो गया, एक करेले के बेल पे अंगूर कब से लग गया। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग किया? हाँ डैड, ये लीजिए आपका ब्रीफ केस और ये आपका पर्स और रुमाल। अरे और डैडी, ये रेखा के चेहरे जैसे चमकते जूते। ए भगवान, मेरी रक्षा करना, ये शैतान लोग साधु की भाषा बोल रहे हैं। जरूर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा। अरे कोई सड़ा हुआ यंत्र मंत्र नहीं है। आज 7 तारीख। 7 तारीख? आज पगार का दिन है। समझ गया, समझ गया, ये सब माया की ममता है। शाम को पॉकेट में नहीं मिलने वाली, इसलिए सुबह से मस्काबाजी चालू है। देखा, मैंने कहा था ना, डैड को रिस्पेक्ट हजम नहीं होती। तो छोड़ो यार, नहीं देते रिस्पेक्ट, ले लो अपना सामान वापस। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? मैं रेखा को बूढ़ी बना रही हूँ। प्रकाश मेहरा की फिल्म तुमसे अच्छा कौन, उसमें ना रेखा को मोटी बनाया है। पागल है वो लोग, सच्चे मोती को मोटी बना रहे हैं। हमारे घर में हमारी रेडीमेड मम्मी है, उसी को कास्ट कर लेते हैं। हाँ। मेरी चीजें वापस दे दो, मुझे देरी हो रही है ऑफिस जाने के लिए। पहले वो गाना गाओ, मेरा कुछ सामान पड़ा है, मुझे लौटा दो। अरे गाना, मेरा कुछ पड़ा है, सामान वापस कर दो, लौटा दो, बस ये लो। ठीक है, लौटा मांगा ना। मीरा, मैंने फैसला किया है, आज से मैं किसी को पॉकेट मनी नहीं दूंगा। क्या कहा आपने? मैं जानना चाहता हूँ ना कि बिना मतलब के कौन मुझे कितना चाहता है। डैडी, बिना मतलब के कोई ऐश्वर्या या सुष्मिता सेन को नहीं चाहता। तो आप किस खेत से खरबूजे हो? कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज से किसी को खरबूजा नहीं दूंगा। आज से मैं किसी को पॉकेट मनी नहीं खरबूजूंगा, पॉकेट मनी नहीं दूंगा। शाम को आप पैसे लेके तो आओ, फिर देखेंगे। आज है हमारे घर का गुंडा, शाम को क्या अब भी हुलपट्टी दे डालते हैं। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, मैं तो घेरा, मैं तो घेरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। आइए आइए भाई, आप ही का इंतजार था। काजल, ये हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, जरा सी मार लग गई। कैसे, किसने मारा? डैड, मार खाना अपुन ने सीखा ही नहीं है। ये तो जरा अपुन किसी को तोड़ रहा था तो उसके दांत टूटे टूटे अपुन के हाथ में घुस गए। किसको मारा? बल्लू उल्लू। बल्लू उल्लू, ये क्या नाम हुआ? माँ, बल्लू उसका नाम है और उल्लू उसका तखल्लू। ए, जो भी कोई होता रहा, बल्लू उल्लू चुल्लू पुल्लू, तूने उसे क्यों मारा बोल पहले? आपकी खातिर। मेरी खातिर? हाँ। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं। लेकिन वो आपको जानता है ना, उसने मुझसे कहा कि जरा तेरे बाप को भेज देना मेरे घर पे, मेरे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, वो उनको डरा देंगे। हाँ, वो आपको जी हॉरर शो की प्रॉपर्टी समझता है। लेकिन डरो मत डैड, अप्पू ने उसको ऐसा मारा कि आप उसके बच्चे उसे देखकर ही डर जाएंगे। लगता है आज का दिन भी गलत नोट पे शुरू हुआ है, यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। चलो चलते हैं। चलो। तू कहाँ चली? मैंने तो कहा चलो चलते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत तो मैंने सुनी थी, लेकिन जैसी बेटियां वैसी माँ, ये नजर मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ये बच्चों पे नजर रखना। अच्छा, मेरे बैग कहाँ है? बैग लो। रुमाल कहाँ है? रुमाल। मेरी मनी पर्स कहाँ है? बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।
ए, मैं तुम लोगों को लेटेस्ट गॉसिप सुनाऊं क्या? सुना। डैडी है ना, जूता पहनना भूल गए। पगार का दिन बड़ा कमाल का होता है। सुबह हार्बर ट्रेन की तरह चलने वाला आदमी शाम को जेट की स्पीड में घर की तरफ बढ़ता है, और घर वाले भी ऐसे ताक लगाकर बैठते हैं जैसे जंगल में लुटेरे बारात लूटने बैठे हो। अब मैं घर पहुंचूंगा तो बॉर्डर फिल्म के सनी देओल की तरह सब लोग मोर्चा लगाकर बैठे होंगे। लेकिन मैं भी इनका बाप हूँ, अटैक करने से पहले हरे को एक एक 100 की पत्ती ज्यादा देकर मैं चुप कराऊंगा। अरे पैसे कहाँ गए? लगता है जेब कट गई। अब मैं क्या करूं, घर वाले तो मानेंगे नहीं। सुबह मैंने पॉकेट मनी ना देने की बात की थी तो वो बोलेंगे कि जेब काट कर खुद ही बहाना बना रहा है। जाके पुलिस कंप्लेंट करता हूँ ताकि प्रूफ रहे। सुनिए, बाप उरद के पेट भर रहा है। सुनिए हवालदार साहब, आ गया तू? ला दे इधर। क्या तू? अरे वो रमणीक शेठ ने कवर भेजा है ना, पाकिट पाकिट ला दे इधर। मैं चेहरे से दो नंबर का आदमी रखता हूँ, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी है हाँ। और बिना पूछे अंदर चले आया। चल चल बाहर निकल। चल हवालदार, कुछ दिन पहले मैंने एक बैनर पढ़ा था, पुलिस आपकी दोस्त है, और दोस्त के पास इजाजत देके जाना पड़ता है। वो सामने खिड़की दिख रही है? खिड़की है सामने। हाँ, उसके बाहर एक बैनर है। बैनर है, पढ़ सकता है? जरा पढ़ के सुना। विपुल की साड़ियां पहनो। हाँ, तो आप क्या विपुल की साड़ियां पहनेगा? हवालदार साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर मैं विपुल की साड़ियां पहनूंगा तो फिर विपुल क्या पहनेगा? तू क्या इधर कॉमेडी करने के लिए आया है? नहीं हवालदार साहब, मैं कंप्लेन करने आया हूँ। अरे बाबा, मालूम है मालूम है, यहाँ पुलिस थाने में आम आदमी कंप्लेन करने के लिए आता है, कोई कव्वाली गाने के लिए नहीं आता। कव्वाली गाने? कव्वाली है नहीं। जी, जी, जी। क्यों बे, तेरी बीवी भाग गई है क्या? नहीं नहीं, बीवी नहीं भागी है। और क्या है, समझदार आदमी अपने बीवी के भागने की कंप्लेन नहीं करता कभी। तो जरूर कोई नौकरानी के साथ तूने लफड़ा किया होगा। और वो अभी तेरे को ब्लैकमेल करती होगी, है ना? है ना? नौकरानी की बात नहीं है, अगर नौकरानी रखने की हैसियत होती तो मैं आम आदमी क्यों बनता? एक बात है ना, सीधी सी बात है। मुझे बोलना पड़ेगा। वर्किंग डेज होते हैं। कितना पैसा था किसके पास? मेरे पास 8,000। 8,000 रुपए? 8,000 रुपए जेब में लेके घूमते हो? कोई रेस कोर्स में सर्विस करते हो क्या? एक ऑर्डिनरी दवाई के कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा, शक्ल से तो कोई ड्रग की हेरा फेरी करने वाले कैरियर दिखते हो तुम। नहीं, शक्ल पे मत जाइए। वैसे आप भी शक्ल से तेलुगु फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट लगते हो। हवालदार से जुबान चलाता है, अंदर कर दूंगा। नहीं, आप मुझे अंदर कीजिए या अंडरग्राउंड कीजिए, लेकिन आप मेरे पैसे मुझे ढूंढ के दीजिए ना। हाँ यार, कोशिश करूंगा, लेकिन चांसेस बहुत ही कम। क्यों? क्या है, यहाँ हर साल 50 या 100 पुलिस वाले गुम हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, तो तेरी 8,000 की रकम का थोड़ी पता चलेगा। 50 नहीं 100 पुलिस वाले। 50 रुपए दे दूंगा, लेकिन आप मेरे पैसे मुझे ढूंढ के दीजिए ना। ए, तू बाहर निकल। बाहर निकल। बाहर क्यों? क्या हुआ? तूने मेरी कीमत 50 रुपया लगाई? बाहर निकल, वरना तेरे ऊपर मैं मान हानि का दावा कर दूंगा। तो गले में बोर्ड लटका के घूमना, मेरा भाव इतना इतना है बाबा। बाबा जाना, तू गाय को दिमाग खा रहा है। चल निकल, बाहर निकल। बाजार भाव का पता नहीं, आ गया रिश्वत देने के लिए। मेरे पैसे मुझे ढूंढ के दीजिए ना। अमा यार, इधर हजारों करोड़ों के स्कैम में जिनके लाखों रुपए अटके हुए हैं, वो ये सवाल नहीं पूछ सकते, तो तेरे सवाल का जवाब कौन देगा? इतना कहता हूँ कि आते जाते रहना, अगर नसीब में होगा तो मिल जाएंगे, वरना पम भोले हरिओम। चल निकल, निकल ले चल। ये फिल्म प्रोड्यूसर जैसी बात हो गई, आते जाते रहना, मिलते रहना, फोन करते रहना। कोई बात नहीं, अभी घर जाके वानर सेनाएं को ही कष्ट देने पड़ेंगे। वानर किसको बोला? आपको बोला मैं? आपको बोलने की हिम्मत करूंगा? इतना अच्छा बोलूंगा मैं आपके बारे में?
डस्टबिन मछली की तरह क्यों तड़प रही हो? अरे तुम्हारे डैडी नहीं आए अभी तक। हाँ यार, पॉकेट मनी नहीं देने की बात की थी, घर छोड़ के जाने की बात तो नहीं की थी। दोस्तों, मेरे हिसाब से वो किसी बियर बार में बैठे होंगे और किसी नाचने वाली पे पैसे उड़ा रहे होंगे। मैं अपने पति के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकती। मम्मी, वो आपके पति बाद में बने, पहले हमारे बाप है, और हमारे बाप पे शक करने से हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता। यहाँ हमारी माँ रोक रही है। Sorry, I got carried away. आपस में लड़ना छोड़ो और ये सोचो पॉकेट मनी नहीं देने के लिए वो कौन सा नया पैतरा अपनाएंगे। मेरे हिसाब से वो पैसे कहीं छुपा आएंगे और कहेंगे कि मेरी जेब कट गई। तो फिर घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से देंगे? कहेंगे किसी से उधार ला कर देता हूँ। ए नहीं यार, सोचने की बात है, क्या आप उनका बापू इतना गिर सकता है? अमा यार काजल, जिसकी ये टूटेली बेटी दिन में 10 बार गिर सकती है, वो बाप क्या महीने में 1 बार नहीं गिर सकता? हे लड़का है बड़ा कमाल का, हे लगता है मुर्दा हलाल का, क्या शर्ट है पैंट है क्या मस्त, क्या बात है मेरे सरकार, बड़ी देर लगा दी। तनखा में से क्या मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे या फिर अकड़ा खेलने? क्या हुआ, कहाँ रह गए थे तुम, इतनी लेट क्यों आए? और ये पुरानी हवेली के फानूस की तरह चेहरा क्यों लटका हुआ है आपका? मेरी जेब कट गई। बंद करो ये चरखा, क्या मेरी 8,000 की चमाट लगी है और तुम चरखा चला रहे हो? क्या डैड, कोई अच्छा आइडिया तो सोचना चाहिए था। अरे आपका ये आइडिया तो आपके आने से पहले स्वीटी ने पकड़ लिया था। इसका मतलब मैं बहाना बना रहा हूँ? मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। डैडी, हमारी दादी तो आजादी से पहले भगवान को प्यारी हो गई थी ना। बस क्या डैड, हमको बच्चा समझे क्या? अभी नहीं समझो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, अंदर जाके हाथ मुंह धो लो। हाँ। मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया, उसे खाकर तुम जहाँ पैसे छुपा कर आए वहाँ से लेकर आओ। अरे मेरे पूरे महीने की पसीने की कमाई लुट गई और ये मुझे गाजर का हलवा खिला रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मूली की सब्जी बना देती हूँ। एक काम करो, साइनाइड की गोली दो, अगर यकीन नहीं होता तो पुलिस स्टेशन में जाके पूछ, मैं वहाँ कंप्लेन करके आया हूँ। वाह, क्या बात है डैड, आज तो आपने अपुन का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आप एकदम क्रिमिनल माइंडेड हो। अब अगर अपुन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करेगा ना कि हमारे यहाँ 1,00,000 रुपए की चोरी होगी तो भी वो लोग बिलीव करेंगे। मगर उससे पहले बापू को छुपा देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एंगल से लखपत ही नहीं लगते। अब मैं क्या करूँ जो तुम लोग मेरी बात का भरोसा करोगे? मैं बताऊं, रेखा की कसम खा लो, ये लोग आपकी बात मान लेंगे। तू तो केले के छिलके के कारपेट पे चलने की बात कर रही है। कौन कारपेट पर चलने को कह रहा है? वो कोई नहीं, कोई नहीं। ए, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। बोलो। लेकिन याद रखो, मेरे मरने के बाद कोई रेखा नहीं बैठी है रास्ते में तुमसे मिलने को। अरे ठीक है, मैं रेखा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, हो गया? क्या बोल रहे डैड आप? डैडी, आपकी नजर हम बच्चों के पॉकेट मनी पे थी ना, जाओ, भगवान ने आपका पॉकेट ही छीन लिया। डैडी, अपनी जेब दिखाना। देखो, है? जब तुम्हारी जेब कट रही थी तुम क्या सो रहे थे? अरे डैड, आपको कुछ पता है कि आपकी जेब कब कटी? पता होता तो मैं इसे पकड़ नहीं लेता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कौन से स्टेशन के बीच में कटी आपकी जेब? मेरे ख्याल से अंधेरी और पार्ला स्टेशन के बीच में किसी ने हाथ साफ कर लिया। तुम्हें इतनी बड़ी रकम जेब में रखकर लाने की जरूरत क्या थी? ब्रीफकेस में रख के ला नहीं सकते थे? अरे क्या बात कर रही है तू, वो हमारा फ्रेंड मिस्टर शुक्ला एक ब्रीफकेस में पैसे ला रहा था, भीड़ की वजह से ट्रेन में घुस नहीं पाया तो खार में किसी ने डंडा मारकर ब्रीफकेस छीन लिया। अब मुझे पता चला कि खार में एक एरिया का नाम खार डांडा क्यों है। मैं झापट लगा दूंगा अगर तू ऐसे बकती रही। डोंट वरी डैड, आपके 8,000 मिल जाएंगे। कैसे? अंधेरी से लेकर बांद्रा तक की पॉकेट मार की एजेंसी जग्गू पॉकेट मार के पास है। आपका पर्स मिल जाएगा लेकिन 2,000 रुपए जाएंगे। तू अपने बाप से चार्ज लेगी? घोड़ा खा से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मगर घोड़ा तो चने भी खा सकता है यार। डैड, अगर आप अपने बच्चों की पॉकेट मारी मार सकते हो तो
क्या हम आपसे सर्विस चार्ज नहीं ले सकते? अरे हाँ कह दो ना, घी कहाँ जाएगा, खिचड़ी में ही ना। हाँ और खिचड़ी कहाँ जाएगी, अपने पैरों के पेट में ही ना। मुझे मंजूर है। ठीक है चलो जग्गू के अड्डे पर। मैं भी चलूंगी। क्यों? अगर वो कुवारा हुआ तो? जी नहीं, वो शादीशुदा है, बल्कि अंधेरी से लेकर बैंडा तक की पॉकेट मारने की एजेंसी उसे दहेज में मिली है। सुन रहे हो डैड, आपके पास दहेज में देने के लिए क्या है? चल खा जा। चलो चलो ए, ए, डैड हम लोग कोई नहीं आ रहे, आप अकेले जाओ, अपन फोन कर देता है। मैं अकेला जाऊं? मैं चलूं साथ में? नहीं नहीं, नहीं मैं अकेले जाता हूं। अपन फोन करता है। हेलो जग्गू, काजल भाई बोल रहा है। हाँ ठीक है सब। अरे यार तेरे छोकरे लोग ने अपन के बापू का पर्स मार लिया। नहीं नहीं उनका क्या कसूर है, अब अपने बाप के फेस पर तो नहीं लिखा ना कि वो काजल भाई का बाप है। हाँ 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 अपन भेजता है उनको, जरा पहचान कर पर्स वापस दे देना। ओके बॉस जाओ। चलो से बार बार चंदा लेने यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ, मैं जग्गू भाई से मिलने आया हूँ। आप उन्हीं जय जग्गू भाई बोलो। तो मैं काजल का बाप भाई हूँ। मैं काजल का बाप हूँ। काजल नहीं काजल भाई बोलने का किया, बाप है तो क्या हुआ? भाई लोग का नाम इज्जत से लेने का समझे। ठीक है मैं काजल भाई का बाप हूँ। लगता नहीं है यार, सोचा था कोई मेजर की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग और कठोर रहेगा, लेकिन तू तो यार पांडव होल दर से भी गया गुजरा है। मैं ज्यादा शानपट्टी नहीं करेगा समझ गया, तोड़ दूंगा समझ गया। अरे तू भी कहां जग्गू भाई लगता है, मैं समझा था कि जग्गू भाई कोई जैकी श्रॉफ जैसा हैंडसम आदमी होगा, लेकिन तू एकदम शक्ति कपूर जैसा विलन निकला। तोड़ दूंगा समझ ना, तोड़ दूंगा। लगता है बाप, लगता है काजल भाई का बाप लगता है। आजा आजा ये ले, इसमें से जो तेरा बटुआ है ना उठा ले, और जो अच्छा लगे वो भी लेके जा। क्या करे बनाने वाले के भी बीवी बच्चे रहते हैं। उनके बटुए को मारते हो उनके भी बीवी बच्चे होते हैं ना भाई, फिर हमारे बीवी बच्चे का क्या होएगा। चल वो बात छोड़, तो अपना बटुआ उठा और खिसक ले जा। जगुआ पुलिस दोस्ती के इससे भी बड़े बड़े बैनर दिखाता हूँ। मैं सिर्फ मेरा बटुआ लेने आया था, मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा अरे इस सबूत पे तो अदालत भी तुझे कसूरवार ठहराएगी। चल पूरी बैनर सेना तुझे दिखाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जग्गू चाहिए। I want जग्गू। I want my पति। अरे always wanted a पति। चुप कर। माँ रो मत, शांत हो जा। अरे मेरे देवता जैसे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई और तुम लोग मुझे रोने भी नहीं देते। अरे यार इसमें रोने की बात तो है ही ना, कल अगर मार्केट में पता चल गया कि हमारे डैड मेडिसिन बेचने के अलावा पॉकेट मारने का धंधा भी करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें छुड़वाने के लिए कुछ करो। उसके लिए जग्गू को हाजिर करना पड़ेगा, और वो बॉम्बे छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, मेरे पति का क्या होगा? कम से कम 14 दिन रिमांड में रखेगी पुलिस। हाँ। हाँ। हेलो हाँ हाँ कहाँ पर? अच्छा अपन अभी पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, जग्गू को पल्लू उल्लू के साथ होटल जाल पर देखा गया है, अब वो हमारे जाल से नहीं बच सकता। यस! वाह बिलू वाह, क्या चाल चली है तूने काजल भाई से बदला लेने की। हाँ क्योंकि उससे सीधा पंगा लेने का मतलब है कि हॉस्पिटल में अपने लिए खटिया फिक्स करवा। अरे काजल भाई को तो सपने में भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने तेरे कहने से उसके बाप की पर्स मारी और मेरे कहने से पुलिस ने मेरे ही अड्डे पे छापा मारा। हाँ तो अपने आप अपने अड्डे पे रेड मरवाएगा, ये तो काजल भाई के फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। काजल तेरे पास फरिश्ते भी हैं, ये बात तो तूने मुझे नहीं बताई। काजल भाई के पास ताकत है, अपने पास दिमाग, पर तुम्हारी तकदीर अच्छी नहीं है। काजल भाई तू तेरी
6000 और ये आपके 6000। लेकिन मेरी बात सुनो। नहीं।